वर्षा काल चल रहा है, यहाँ पर नदी नाले उफान पर है, एक तरफ एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क नहीं हो पा रहा, उसमें एक शासन नियम लाई है कि खेत खेत जाकर हमें गिरदावरी करना है, जो कि पूर्णतः अव्यवहारिक है। खेत पर जाना पटवारी के लिए संभव ही नहीं है। दूसरी बात, खेत के जो कच्चे रास्ते हैं उनमें पानी कीचड़ भरा हुआ है और खेत में जो कुएं हैं वो भी लबालब भरे हुए हैं। हमारे कई महिला पटवारी साथी हैं जो खेत खेत जा भी नहीं सकती है, और हमारे कई बुजुर्ग पटवारी भी हैं जो खेत पर जाना पूर्णतः अव्यवहारिक है। शासन जो पहले हमसे जिस तरह से पद्धति से गिरदावरी कराती थी, हमारी यही मांग है मध्य प्रदेश पटवारी संघ की कि उसी आधार से गिरदावरी वापस करवाई जाए, तो ताकि हमको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। जीव जंतु और जहरीले जानवर को काटने का डर पटवारियों का रहता है और हमारी जान का खतरा इससे बना हुआ है, और पूर्णतः यह जियो टैगिंग में फोटो भी लेना रहता है और खेत खेत पर जाकर ही यह गिरदावरी कर पाना संभव होता है। हम इसका विरोध करते हैं और ये पूर्णतः अव्यवहारिक है। हमारे जो अधिकारी ये नियम बनाते हैं, ये बंद कमरों में बैठकर इस तरह की ये ऐप लॉन्च कर देते हैं, और जिससे हमको धरातल पर इसको लागू करवाने में और काम करने में बड़ी कठिनाई आती है। आपका नाम? दीपक राठौर। पद? मैं तहसील अध्यक्ष हूँ ताल का। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।